औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपको पढ़ाएंगे फ़िज़िक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में। तो फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स जो है स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर, मैटर एंड एनर्जी की जो इंट्रैक्शन है, उनकी स्टडी है, उनका रिलेशन है, इसको स्टडी करना इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो रिलेशन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, इंट्रैक्शन बिटवीन मैटर एनर्जी एंड स्टडी इन बिटवीन द मैटर एनर्जी इज कॉल्ड फिज़िक्स। या इजीली आप कह सकते हैं एक मॉडर्नाइज तरीके से, द आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। आइए सबसे पहले आपसे डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मैटर। तमाम स्टूडेंट्स छोटी क्लासों से बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि वो तमाम चीज़ें जो हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, जो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो मैटर कहलाती हैं। एंड द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी आप छोटी क्लासों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। तो ये तो आप नॉर्मली पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। लेकिन अगर स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में मैं आपसे पूछूं कि टूथपेस्ट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, तो यकीनन आप कहेंगे ना ये सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो व्हाट इज़ इट, तो ये कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है? तो इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। इट इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है। और इसके साथ साथ आपको मैं फिफ्थ स्टेट भी बताऊं। और फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है, इट इज़ कॉल्ड प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है, इट इज़ कॉल्ड द मिक्सचर ऑफ आयंस। ये आपको बाद में किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ मिक्सचर ऑफ आयन। एंड नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर इज फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ब्लैक होल। एंड सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर, टाइम क्रिस्टल। तो ये फिफ्थ सिक्स दोनों आपके कोर्स में शामिल नहीं है। तो आइए वापस आते हैं अपने फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स मैटर एनर्जी के इंट्रैक्शन, उसकी स्टडी, उसका रिलेशन, और इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन इज कॉल्ड फिज़िक्स। अब फिज़िक्स की ब्रांचेस पे जाने से पहले आपको फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। वो क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़, एंड नॉट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़। जिन चीज़ों को नापा जा सके, जैसे मास है, टाइम है, एक्सप्लोरेशन है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। और जो एक्सप्रेशन जो हमारे होते हैं, तो लाइक है, विश है, लव है, एट्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं। तो आइए अब फिज़िक्स के ब्रांचेस की तरफ आते हैं। तो ब्रांचेस में स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं बॉडीज़ का मोशन, मूवेबल बॉडीज़ जो मूव होती हैं, उनका की स्टडी विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। दिस इज़ कॉल्ड मैकेनिक्स। देन अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द इफ़ेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज से मुतालिक हम इसकी स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इस तरह भी कह सकते हैं, द इफ़ेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह भी कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं, चार्ज आपको पता है प्लस और माइनस में होते हैं, तो इसकी स्टडी जो है इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी। एटॉमिक फिज़िक्स, एटॉमिक फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कंसर्न्ड विद द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटॉमिक फिज़िक्स यानी कंप्लीट एटम की स्टडी इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। अब उसके अंदर जो है एटम की स्टडी भी आएगी, एटम रिवॉल्वेशन, और न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एटॉमिक फिज़िक्स। सिमिलरली इसी तरह अगर हम न्यूक्लियर फिज़िक्स की बात करें, तो न्यूक्लियर फिज़िक्स नाम से जाहिर है, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। अगर मैं इस तरह कहूँ, द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो अगर हम खाली न्यूक्लियस की स्टडी करें, और उसमें एटम के बाहर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को हटा दें, तो ओनली द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड सब एटॉमिक पार्टिकल इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स। और इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जिक्र करें, तो इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स कंसर्न्ड विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेट।
द फिनोमेना इन विच द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन मैग्नेटिज्म, मैग्नेट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या रिलेशन है, मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेट पर कैसे इफेक्ट करती है, दोनों की स्टडी किस तरह है, किस तरह पॉसिबल है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस के बारे में, क्योंकि पेपर में हमारे पास 5 ब्रांचेज ही आती हैं, लिहाजा हमने सिर्फ 5 ब्रांचेज डिस्कस की हैं। और अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कोई भी बात समझ ना आने की सूरत में रिप्लाई कीजिए।